गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए ब्लॉग में। हाय हेलो कर दो भाई। हाय। और अभी हमारी यहाँ पर मोमो पार्टी चल रही है, तो मैं बता देती हूँ कि ये छोटी सी हमारी पार्टी किस खुशी में चल रही है। तो आज के दिन बच्चे गए थे अपना, क्या गए थे बच्चे बेटा बताओ? स्कूल गए थे ये। हाँ, स्कूल गए थे ये लोग, और जो इन्होंने फाइनल एग्जाम दिए उसके स्क्रिप्ट देखने के लिए गए थे, मतलब कि ये मार्क्स सही है कि नहीं है, मतलब जो उन्होंने दी कैलकुलेशन करने। ये ले तू, प्लेट गंदा मत कर। नहीं, मैं तो प्लेट में खाऊंगी और मैं चटनी भी खाऊंगी। तो ये लोग अपने मार्क्स वगैरह सब नोट करके आ गए। अभी फाइनल रिजल्ट तो आएगा 17 तारीख को, लेकिन मार्क्स इन्होंने देख लिए, सब कैलकुलेट करके आ गए हैं। तो ये लोग पास हैं, मतलब मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए इनके, इतनी अच्छी पढ़ाई भी नहीं करी थी, लेकिन इज्जत लायक का पास है ये। क्यों भाई? इज्जत लायक के मार्क्स हैं। तो इसी सिलसिले में हम लोग कर रहे हैं ये मोमो पार्टी। बताओ भाई कैसे हो, खुश हो? अरे बताओ ना, लौंडे पास हुए और क्या चाहिए। हाँ, तो ये कह रहे हैं बच्चे पास हो गए और क्या चाहिए, मतलब चटनी भी दो। तो ये हमारा छोटा सा आज क्या हो रहा है, छोटी सी पार्टी हो रही है, मतलब छोटी छोटी खुशियों को। ये छोटी खुशी नहीं है वैसे, बहुत बड़ी खुशी है, मतलब इधर उधर हो जाते ना थोड़ा, एक आदमी लुढ़क जाते तो पूरा साल बर्बाद हो जाता, तो बहुत बड़ा वो हो जाता है। मतलब ये लाइट कहाँ से आ रही है, यहाँ से ऊपर मेरे को लाइट भी दिख रही है, यहाँ से ये वाली लाइट पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो ये छोटी छोटी खुशियों को हम कर रहे हैं सेलिब्रेट, और इससे बड़ी वाली खुशी मिलेगी, मतलब 17 को पूरा रिजल्ट आएगा, जिन चीज़ों के मार्क्स नहीं जुड़ते वो भी मिल जाएंगे। तो बड़ा वाला सेलिब्रेशन करेंगे बाद में हम लोग, तब तो उसके पापा को हम लूटेंगे। लुटोगे ना, लुटोगे? अभी आपने प्रॉमिस करा था कि यहाँ जाएंगे खाने, वहाँ जाएंगे, चुप हो गए। मार्च में तो वैसे लुटता ही हूँ मैं, मार्च में तो लुटते ही है। तो अभी हम चलो ये खा लेते हैं। चलो भाई, अरे बातें बातें कर लो ऐसे कैसे। ये मोमो जो है और लोग भी बनाते हैं, लेकिन जो मोमो नेपाली लोग बनाते हैं वैसा कोई बना भी सकता। और हमारी ये वाले एरिया में ना, जहाँ हम रह रहे हैं, एरिया नहीं बताऊंगी, जिस एरिया में हम रह रहे हैं यहाँ पर आसपास में, ये बेस्ट है। मोमो का फीडबैक दे रहे हैं। मैं बर्तन गंदा नहीं कर रहा इसी में खा रहा हूँ, मोमो नहीं दिख रहा आपको? तुम कुछ बोलो भी, कैसा फील हो रहा है मोमो का? नहीं, ये कह रहा है नॉर्मल फील हो रहा है, जान तोड़ती हुई थी है ना, पता था पार हो जाएगा। और तू बता भाई, आलू की चिकन का थोड़ा सा डर लग रहा था। तू बता अभी, ये बता। अरे जीके में डर कैसे लगेगा, तो फुटबॉल का आ गया था, ठीक है, जो कि तुमको ना फुटबॉल पसंद, ना क्रिकेट पसंद, ना बॉक्सिंग पसंद, ना टेबल टेनिस पसंद, तुमको क्या पसंद? ओनली इंडोर गेम पसंद। इंडोर गेम में कौन सा? मोबाइल। अरे इनके पापा ने ना ये जो ट्रीट दे रहे हैं इनको फ्री में नहीं दी, मतलब अभी झंड करनी थी ना इसलिए दी गया। तो बता दो अपने रिजल्ट के बारे में। अच्छा। दोस्तों इनका रिजल्ट आ चुका है और ये क्लास 8 में जा चुके हैं, सेम सेक्शन। और फर्स्ट टाइम ये है हैंगर से खेल रहा है यार, फर्स्ट टाइम ये, मतलब फर्स्ट टाइम हुआ है स्कूल में कि इनको सेम सेक्शन में डाला गया है। तो कैसा फील हो रहा है भाई? नॉर्मल। क्यों सेम सेक्शन में डाला गया है भाई? और इनकी ये किताबें देखो पुरानी सारी, अभी ये छाटेंगे इसको। अरे तुम छाटोगे इसको? मैं नहीं छाटूंगी, मतलब सारी डिस्कार्ड कर देनी, जिसमें थोड़े ज़्यादा पेजेस बचे हैं वो कर लेने। तो बताओ भाई अपने उसके बारे में, एक्साइटमेंट के बारे में, सेम फीलिंग नहीं हो रही? उस दिन तो बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। हेलो, लेकिन आप नॉर्मल लग रहे हैं। क्या तो अलग करवा दूँ? अलग भी करवा सकती हूँ जाके। बदतमीजी मत करना भाई तुम कोई।
साथ में बैठ के, साथ में बैठोगे कि अलग अलग बैठोगे? अच्छा तो दोस्तों, तो मैं मिलती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में, और ये एक न्यूज़ सुनानी थी आपको, वो मैंने सुना दी, अभी मैं मिलती हूँ आपको थोड़ा फ्रेश होने के बाद में।